नमस्कार समाचार सुपरफास्ट साथे हूँ छू रिंकल। समाचार की शुरुआत करिए। राज्य में 15-18 वर्ष की वयना किशोरों ने रसी आपवानो अभियान सोमवार से शुरू थशे। अमदावाद शहर और ग्रामीण में अंदाजे 700 जेटली शाला में अभ्यास करता 2,05,000 जेटला बाळकों ने कोवेक्सिन रसी अपाशे। एएमसीए तैयार कर्यो खास एक्शन प्लान, जेमां कोर्पोरेशने नक्की करेली शालाओं में अभ्यास करता 15-18 वर्षना बाळकों ने हेल्थ विभाग की टीम द्वारा शाला में जई कोवेक्सिन रसी अपाशे। रसी लेनारा इच्छुक बाळकों कोविन एप पर जई सेल्फ रजिस्ट्रेशन करी आधार कार्ड अथवा शाळाना आईडी कार्ड नो उपयोग करी ऑनलाइन स्लॉट बुक करी शकशे अथवा नजीकना अर्बन हेल्थ सेंटर पर ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन करावी वेक्सिन मेळवी शकशे। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने 10 जानुआरी थी बूस्टर डोज अपाशे। बीजो डोज लीधा ने 9 महीना थई गया होय तेओने बूस्टर डोज अपाशे। अगाउ जे रसीना 2 डोज लीधा छे एज रसीनो हशे बूस्टर डोज। जाहिर में मास्क वगर फरनाराओ रहेजो सावधान। अमदावाद में पुलिस बाद एएमसी पण करशे चेकिंग। मॉल दुकान रेस्टोरा अने होटल में थशे चेकिंग। एएमसी ना सॉलिड वेस्ट विभाग की एसी टीम करशे तपास। शहर ना अलग अलग जोन में कामगिरी शुरू कराशे। शहर में प्रथम दिवसे मास्क वगर 167 लोग पकड़ाया। 167 लोग पास थी 1,67,000 नो दंड वसूलायो। शहर ना दक्षिण जोन में सौथी वधु 40 लोग पकड़ाया। पश्चिम जोन में 36, पश्चिम जोन में 28 लोग पकड़ाया। केन्द्र की गाइडलाइन भंग बदल कार्यवाही। जोधपुर स्थित ब्रांड फैक्ट्री ने 11,000 नो दंड। नवावाड़ज की मंगलम साड़ी सेंटर ने 1,000 नो दंड। इनकमटेक्स मनमंदिर ट्रेडिशनल ने 1,000 नो दंड। तो आश्रम रोड अग्रवाल बुक ने 1,000 नो दंड करायो। पाटण में मास्क ड्राइव योजाई। अलग अलग 8 मार्गो पर योजाई ड्राइव। मास्क न पहेरनाराओं ने मास्क आपवामां आव्युं, साथे ज नियमों पाड़वा सूचना अपाई। तो जेओए रसी न लीधी होय तेओने रसी लेवा कराई अपील। कोरोना केसों वधता आरोग्य मंत्रीनुं निवेदन, त्रीजी लहेरना एंधाण छे। ओमिक्रोन डेल्टानुं प्रमाण वध्युं छे। आ लहेर आवे तो आपणे सामनो करवा माटे तैयार छीए। आपणे प्रति वर्ष 5600 तबीबो तैयार करी रह्या छीए। अमदावादमां भाजपनी स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिबिर। सीएम भूपेन्द्र पटेल, आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल हाजर। कोरोना गाइडलाइन प्रमाण बैठक व्यवस्था कराई। शिबिर में भाजप कार्यक्रमों हाजर रहा। कोरोना ना केस वधता महेसाणा जिला आरोग्य विभाग एलर्ट मोड पर। जिला में 7 सरकारी और 5 प्राइवेट मड़ी। कुल 12 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध। 12 प्लांट की 11.81 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता। कोरोना ना केस वधता राज्य में तकेदारी। राजकोट में कोरोना ना केस वधता सिविल हॉस्पिटल की बाजू में चौधरी हाईस्कूल मैदान में 100 बेड की हॉस्पिटल शुरू कराई। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले हॉस्पिटल लोकार्पण कर्यु हतु। अरवली जिला में कलम 144 लागू। 4 थी वधु लोकोना भेगा थवा पर प्रतिबंध। कोरोना ना केसों वधता कलेक्टर जाहिरनामू। जिला में सभा सरघस काटवा पर प्रतिबंध। लग्न में 400, अंतिम विधि में 100 लोग हाजर रही शकशे। एएमसी सॉलिड वेस्ट विभागे होटल और रेस्टोरां में सघन चेकिंग हाथ धर्यू। वस्त्राल में आवेली ब्रिटिश पिज्जा रेस्टोरेंट में नियमों उल्लंघन ना कारणे 1,000 नो दंड फटकारायो। तो मणिनगर ना वुडी जॉन्स पिज्जा में 5,000 नो दंड। राज्य में कोरोना विस्फोट थता कोरोना ना केस 1,000 ने पार। 24 कलाक में 1,069 पॉजिटिव केस नोंधाया। कोरोना ना कारणे एक दर्दी जीव गुमाव्यो। राज्य में हाल कोरोना 3,927 केस सक्रिय। सौथी वधु अमदावाद में कोरोना 559 केस नोंधाया। सूरत में नवा 156 केस। वडोदरा में 61 केस, जयरे राजकोट में 41 केस नोंधाया। आणंद और खेड़ा में 39 केस नोंधाया। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में ओमिक्रोन नवा 23 केस। अमदावाद में ओमिक्रोन 11 नवा केस, जयरे सूरत में 4, वडोदरा आणंद और कच्छ में ओमिक्रोन 2 केस नोंधाया। सूरत शहर में नवा 97 केस। नवा केस पैकी 3 ओमिक्रोन केस। सूरत में ओमिक्रोन केस की संख्या 13 थी। सतत तीजा दिवसे केसों में वधारा साथ विद्यार्थियों में संक्रमण वध्यु। महेसाणा में भाजपा 2 नेताओं वच्चे बोलाचाली। कड़ी एमएलए और जिला पंचायत प्रमुख वच्चे बोलाचाली। एमएलए करशन सोलंकी और जिला पंचायत प्रमुख प्रहलाद परमार। बन्ने नेताओं की बातचीत ऑडियो क्लिप वायरल। कार्यक्रम में मोड़ा पड़ता अभद्र भाषा में बातचीत करी ऑडियो क्लिप में पोतानो अवाज होवानो नेताओं स्वीकार। बन्ने नेताओं वच्चे हाल समाधान थयुं। राजकोटना राजवी परिवार में मिलकतनो विवाद फरी वकर्यो। परिवार में वारसाई मिलकत ने लई चाली रहेला जमीन विवादनो केस प्रांत अधिकारीए फरी चलाववा आप्यो आदेश। हक जतो करवा मुद्दे मांधाता सिंहजी और बहन अंबालिका देवी वच्चे अणबनाव बनता। बहने गंभीर आरोप लगावी मिलकत पर दावो कर्यो। उत्तर प्रदेश की चूंटणी माटे गुजरात भाजपा नेताओं ने फरी जवाबदारी सौंपाई। गुजरात भाजपा 165 नेताओं यूपी की चूंटणी प्रचार अर्थे रवाना। यूपी की चूंटणी ने 5 महीना बाकी। द्वारका कामाई धामे धार्मिक प्रसंग में सीआर पाटिले हाजरी आपी। समरस समर्पण वंदना अंतर्गत योजायेला कार्यक्रम में चारण समाज परंपरागत पोशाक में कर्यु नृत्य।
राज्यभर राशन कार्ड धारकों ने आज हाथ लागी निराशा। पुरवठा विभागे ऑनलाइन स्टॉक चढ़ावाने लई राज्यभर में राशन दुकान थी वितरण नहीं थाय तेवी जाहेरात करी हती। ऑनलाइन एप्लिकेशन ना कारणे आज पण ना थई शक्यु वितरण। भावनगर जिला में चौमासा में त्यारबाद पड़ेला मावठाना कारणे खेती पाकों में नुकसान, जे अंगे सरकार द्वारा राहत पैकेज जाहिर। नुकसान अंगे अरजी जाहिर करवा 6 डिसेम्बर थी 24 डिसेम्बर नो समय आपवामां आव्यो। भावनगरना भाल पंथकना गामों में पाणीनी समस्या, गामनी महिलाओ दूर दूर सुधी पीवानुं पाणी भरवा माटे जाय छे। महिलाओ तळाव अने गंदा कूवामांथी पाणी भरीने पीवा माटे मजबूर। नर्मदा विभागनो ओवरफ्लो थयेलो पाणी बजाणा भराड़ा ओकड़ा थईने रण विस्तार में फरी वळता अगरियाओने लाखों रूपियानुं नुकसान। 10 दिवसथी पाणीनो अविरत प्रवाह, हालमां 40 किलोमीटर सुधी पाणी पहोंच्युं। सुरेन्द्रनगरना ध्रांगध्राना कूड़ा गाम पासे रणमां नर्मदा केनालनुं पाणी फरी वळ्युं, जेने लई अगरियाओनी मुश्केलीमां थयो वधारो। वारंवार पाणी छोड़ाता हालाकी, समस्यानुं निराकरण नहीं तो उग्र आंदोलननी चीमकी। अमदावाद वैष्णोदेवी में बनेली दुर्घटना मामलो, असरग्रस्त गुजरातियों की मदद माटे अमदावादना टूर एंड ट्रावल्स ऑपरेटरे तैयारी बतावी। टूर ट्रावल्स ऑपरेटर अजय भाईए वैष्णोदेवी में 25 वॉलंटियर्स की टीम तैनात करी। सुरेन्द्रनगर संयुक्त पालिका वोर्ड नंबर 9 रहीशो और महिलाओं पालिका कचेरी उग्र रजूआत करी। रोड रस्ता पानी गटर सफाई सहित सुविधाओं पूरी पाड़ में न आता रोष, आगामी दिवसों में उग्र आंदोलन की चीमकी। छोटाउदेपुर नसवाड़ी तालुका में दुग्धा ने धार सीमेल वच्चे डामर रोड गेरंटी पीरियड पहला तूट्यो, एजेंसीए रस्ता पर रिपेरिंग काम शुरू कर। डामर की गुणवत्ता पर सवाल, कॉन्ट्राक्टर पर भ्रष्टाचार थयो होवानो आक्षेप। द्वारका एसओजी की टीमें ऑपरेशन पार पड़ू, एक बोट नो रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम अन्य बोट में लखी 2 महीना सुधी समुद्र में सफर करने गुनो शोधी आरोपी ने झड़पी पड़ो। खोटा डॉक्यूमेंट बनावी अन्य बोटना नामे खोटा कागड़ उभा करी गुनो आचर्यो। फिशरीज अने अन्य विभागों ने छेतरी समुद्री सफर करनार सलायनो हारून हुसैन मामद भाया ने झड़पी लेवायो। राजकोटना विंछिया पासे नाना मात्रा गामे थी 2 किलो 870 ग्राम गांजा साथे 2 लोगों ने राजकोट एसओजीए झड़पी पाड़ा, जेनी बजार किंमत अंदाजे 28,000 थी वधु। एसओजीए गांजा सहित मोबाइल सहित कुल 38,700 की किंमत नो मुद्दामाल जप्त कर्यो। आप नेता इसुदान गढ़वी की मुश्किल वधी शके, लीकर केस में इसुदान गढ़वी की थी शके धरपकड़। गढ़वी लीकर टेस्ट पॉजिटिव आयो हो, गांधीनगर इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन में गुनो नोधायो। आईपीसी 66(1)(b)(85)(1) मुजब गुनो नोधायो हो। कमलम में होवाड़ा मामले अगाउ धरपकड़ थी थी, ताजेतर में ज कोर्टे शरती जामीन आप्या हता। भावनगरना पालीताणा में बस स्टेशन में लूंट, गुजरात आंगड़िया पेढ़ी कर्मचारी हीरा भरेली थेली लई जता, दरमियान लूंट, लूंटारुओ फरार। सूरत में निक ओडेद्रा नामना व्यक्ति वीडियो वायरल, हाथ में बंदूक राखी बाइक पर सवारी करी शहर में रात्रि कर्फ्यू दरमियान वीडियो होवानी चर्चा, बन्ने युवकों की धरपकड़ कराई। सूरत में धाड़ फायरिंग करनार मध्यप्रदेश ने कुख्यात मुरैना गैंग पुलिस हाथे लागी। सूरत पुलिस 6 शंकास्पदों ने अटकायत करी, तपास में मुरैना गैंगना 6 आरोपी झड़पाया। धरपकड़ बाद तपास में 2 वर्ष जूरो केस उकेलायो। सूरत क्राइम ब्रांचे सूरत पांडेसरा विस्तार में एक आरोपी ने बातमी आधार झड़पियो। आरोपीए करेला 8 वर्ष जूनी हत्या भेद उकेलायो। वर्ष 2014 में महाराष्ट्र अमलनेर जिला में हत्या कर आरोपी नास्तो फरतो हतो। अरवलीना मोडासाना टींटोई थी तस्करों पकड़ाया, टींटोईना ग्रामजनों तस्करों ने पकड़ा। 5 दिवस में टींटोई में चोरी की 20 घटना बनी थी। स्थानिकों 5 लोगों ने पकड़ा, 5 तस्करों पास थी हथियारों मब्या। मोडासा रूरल पुलिस गाम में पहुंची तपास हाथ धरी। राजकोट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में योजाये डीजे पार्टी में कुवाड़वा पुलिस 5 आरोपी की धरपकड़ की। म्यूजिक टीचर मालव मारू, इवेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्राक्ट राखना जिगर मेहता की धरपकड़। डीजे पार्थ ने शिवाभाई ने आचार्य ने पण धरपकड़, आईपीसी की कलम 188 और जी पैक्ट 135 मुजब धरपकड़, तमाम ने जामीन पर मुक्त कराया। महिसागरला बालासिनोर में गैरकायदे लाकड़ा और सफेद पत्थरों भरेला ट्रेक्टरों वहन, धारासभ्य अजित सिंह चौहान ने पुलिस ने लाकड़ा की गाड़ी पायलटिंग करता रंगे हाथ झड़प्या। छोटाउदेपुर पावी जेतपुर आंबाखूंट गा में रींचनो युवान पर हुमलो, 25 वर्षीय युवक ने मोढ़ा पर गंभीर इजाओ पहुंचता वडोदरा सारे खसेड़। भावनगर जिलाना महुआना बंदर विस्तार में मृत हालत में सिंह मळी आव्यो, 2 થી 2.5 વર્ષનો सिंह मृत हालत में मळता लोकोना टोळा एकठा थया। बंदर विस्तार में सिंह मृत हालत में मळता फॉरेस्ट विभागे तपास हाथ धरी। फॉरेस्ट विभागे सिंह की बॉडी ने प्रीएम अर्थे पालीताणा रेन्ज में मोकली, वधु तपास हाथ धरी।
સુરત શહેરમાં એક વ્યક્તિએ નશાની હાલતમાં ઝાડ પર ચઢી હંગામો કર્યો. નીચે ન ઉતરતા આખરે ફાયર વિભાગની મદદ લેવાઈ. ફાયરની એક ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી અડધા કલાક બાદ વ્યક્તિને નીચે ઉતાર્યો. અમદાવાદના જોધપુરના કારીગરો જોધપુરી પતંગ બનાવવામાં લાગ્યા. પતંગના ભાવમાં 20-25% વધારો. ભાવ વધારો થતાં ગ્રાહક ન મળવાના કારણે કારીગરો નિરાશ. જૂનાગઢમાં ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા 36મી સ્પર્ધામાં 1058 સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો. પુરૂષો માટે અંબાજી મંદિર સુધી 5500 પગથિયા તો મહિલાઓ માટે માળી પરબના 2200 પગથિયા. રાજ્યમંત્રી દેવાભાઈ માલમે સ્પર્ધાનો પ્રારંભ કરાવ્યો. છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોનાને પગલે સ્પર્ધા રદ થતી હતી. ગિરનારને આવવા સ્પર્ધકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. 10 દિવ્યાંગો સમૃદ્ધ માર્ગે સોમનાથ પહોંચ્યા. સમુદ્ર માર્ગે હોડી લઈ પોરબંદરથી સોમનાથ દર્શને પહોંચ્યા. સમુદ્રમાં 5 દિવસનું અંતર કાપી નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે સોમનાથ પહોંચ્યા. પ્રથમ વખત તેમણે 120 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું, જે બાદ તેમણે મહાદેવના દર્શન કરી વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાની મુક્તિ માટે પ્રાર્થના કરી. મધ્યપ્રદેશમાં ખંડવા વડોદરા હાઇવે પર અકસ્માત. ખાનગી બસ નદીમાં ખાબકી. 3ના મોત, 28 ઘાયલ થયા. બસ ભુજથી મધ્યપ્રદેશના બડવાની તરફ જતી હતી. છત્તીસગઢના સુકમામાં 44 નક્સલીઓએ કર્યું સરેન્ડર. નક્સલીઓના પુનર્વાસ યોજના હેઠળ મોટી સંખ્યામાં નક્સલીઓએ મૂક્યા હથિયાર. 9 મહિલા નક્સલીઓ પણ સામેલ. દિલ્હીમાં ડ્રગ સપ્લાયરને પકડવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર ભીડનો હુમલો. જવાબી કાર્યવાહીમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં 2 લોકો ઘાયલ. 4 પોલીસકર્મીઓ પણ ઇજાગ્રસ્ત હોવાની ખબર. દેશભરમાં કોરોનાના વધતા કેસોની વચ્ચે એકવાર ફરી કેન્દ્ર સરકારે લખ્યો રાજ્યોને પત્ર. ટેમ્પરરી હોસ્પિટલ હોમ આઇસોલેશનમાં દર્દીઓની દેખરેખ માટે વિશેષ ટીમો બનાવવાની સાથે દરેક જિલ્લામાં કંટ્રોલ રૂમ બનાવવાના નિર્દેશ. અખિલેશ યાદવની સાથે ગઠબંધન પર એઆઈએમઆઈએમ અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું, અમે ઇચ્છીએ છીએ ગઠબંધન, પરંતુ અખિલેશ લગાવે છે આરોપ. તેઓના કારણે જ બીજેપીના હાથ લાગ્યો જિન્નાહનો મુદ્દો. યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ લડી શકે છે વિધાનસભા ચૂંટણી. સૂત્રો મુજબ ગોરખપુર અથવા તો અયોધ્યાથી ચૂંટણી લડી શકે છે. યોગીએ કહ્યું કે પાર્ટી આદેશ આપશે તો લડવા તૈયાર. હરિયાણાના ભિવાનીમાં ખનન સ્થળે જમીન ધસ્યા બાદ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હજુ પણ યથાવત. કેટલાય લોકો ફસાયેલા હોવાની આશંકા. ગઈકાલે દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયા હતા 4 લોકો. હરિયાણાના અંબાલામાં તેજ રફતાર કારે મહિલાને મારી ટક્કર, જેમાં મહિલાનું નિપજ્યું મોત. દુર્ઘટના ત્યારે થઈ જ્યારે મહિલા દવાઓ લેવા ગઈ હતી. અકસ્માતની ઘટના મકાનની પાસે લાગેલી સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ, જેમાં સામેથી આવી રહેલી તેજ રફતાર કાર મહિલાને ટક્કર મારતા કેટલાય ફૂટ ઊંચે ઉછાળી મહિલા ફંગોળાઈ હતી. આરોપ છે કે કાર ડ્રાઈવર નશામાં હતો. આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડાની એક રેસ્ટોરાંમાં ગ્રાહકોને આકર્ષવા અનોખી યુક્તિ. રમકડાની ટ્રેનથી ગ્રાહકો સુધી ભોજન પહોંચાડવાની શરૂઆત કરાઈ. રમકડાની ટ્રેન એક માલગાડીની જેમ ભોજન લઈને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતી જોવા મળી, જેના માટે કિચનથી લઈ અલગ અલગ મેજ સુધી ટ્રેક ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. ટ્રેક પરથી પસાર થતી ટ્રેન ગ્રાહકો સુધી ઓર્ડર લઈ જતી જોવા મળી. રેસ્ટોરાંનો માલિક 4 બ્રાન્ચ અલગ અલગ સ્થળે ખોલી ચૂક્યો છે. તમામ રેસ્ટોરાં અલગ અલગ થીમ પર ખોલવામાં. તમિલનાડુમાં સતત થઈ રહેલી મુશળધાર વરસાદથી વધી મુસીબતો. રાજ્યના કેટલાય જિલ્લાઓમાં આકાશી આફતે કહેર વરસાવી દીધો. રાજધાની ચેન્નઈમાં વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા તો સડકો તળાવમાં પરિવર્તિત થઈ ગયેલી જોવા મળી. તમિલનાડુમાં હજુ પણ વરસાદનો કહેર યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગ મુજબ કેટલાક જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું. લોકોને ઘર બહાર ન નીકળવાની કરાઈ અપીલ, તો સ્કૂલ કોલેજો બંધ રાખવા અપાયા નિર્દેશ. કનોજમાં અત્તરના વેપારી અને સમાજવાદી પાર્ટીના એમએલસી પુષ્પરાજ જૈન પંપીના ઠેકાણા ઉપર દરોડા યથાવત. પુષ્પરાજ સિવાય મોહમ્મદ યાકુબ પણ સામેલ. યુપીના ઇટાવામાં ગ્રામ પ્રધાને કેટલાક લોકોની સાથે મળી એક ઠેકેદારની કરી પીટાઈ, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં થયો વાયરલ. લોકોએ ઠેકેદારને આરોપીઓની ચુંગાલમાંથી બચાવવાની કરી કોશિશ, પરંતુ ગ્રામ પ્રધાન અને તેમના સાથીઓએ ના ફક્ત ઠેકેદારની પીટાઈ કરી પરંતુ મોબાઈલ સહિત 2000 રૂપિયા લૂંટી લીધા. 8 લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ. યુપીના કાનપુરમાં સામાન્ય વિવાદમાં થયો હંગામો, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. 5 લોકોએ એક મકાન પર હુમલો કરતા સામેથી પણ પથ્થરમારો થયો. આખી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. 3 જાન્યુઆરીથી 15 થી 18 વર્ષના સુધીના બાળકોમાં કોરોના રસી માટે મુંબઈમાં તૈયારીઓ તેજ. બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સમાં બાળકોને રસી લગાવ્યા બાદ 5 રૂમ અને વેક્સિન બાદ ઓબ્ઝર્વેશન રૂમ તૈયાર કરાયો. મહારાષ્ટ્રમાં કડક પ્રતિબંધો વચ્ચે નાસિકમાં શિવસેનાની એક રાજનીતિક સભા થઈ, જ્યાં લોકો માસ્ક વગર અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાકરા ઉડાડતા નજરે પડ્યા. ભીમા કોરેગાંવના આ વીડિયોમાં મંચ પર પગ મૂકવાની જગ્યા ન જોવા મળી. એટલું જ નહીં, નેતાઓ તો ઠીક પરંતુ સમર્થકો પણ માસ્ક પહેરવું જરૂરી ન સમજ્યું. સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં સમય થયો છે એક વિરામનો.
वेलकम बैक। समाचार सुपरफास्ट में आगर बात करिए तो देश में कोरोना वायरस 27,553 केस सामे आया, 284 लोगों की मौत थया, 24 कलाक में 9,249 लोगों ने कोरोना ने आपी मात। महाराष्ट्र में कोरोना ना केस नो राफड़ो फाट्यो, 24 कलाक में नवा 9,170 केस सामे आया, 7 दर्दियों ना कोरोना थी मौत। महाराष्ट्र में हाल में 35,000 थी वधु एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में कोरोना ना नवा 2,716 केस नोंधाया, छेल्ला 24 कलाक में 1 दर्दी नुं मौत। दिल्ली में हाल 6,360 केस एक्टिव। केरल में कोरोना वायरस ना नवा 2,435 नवा केस नोंधाया, वधु 241 लोगों निपजा मौत। केरल में एक्टिव केस की संख्या 19,000 थी वधु थई। तमिलनाडु में 24 कलाक में कोरोना ने नवा 1,489 केस नोंधाया, 8 दर्दियों कोरोना ने कारण मौत। तमिलनाडु में 8,340 एक्टिव केस। विश्व में कोरोना वायरस का कुल 28,96,00,000 थी वधु केस, अत्यार सुधी में 54,56,000 थी वधु लोगों ना मौत, तो 25,41,00,000 थी वधु लोगों थाय रिकवर। अमेरिका में कोरोना वायरस का कुल 5,58,00,000 थी वधु केस नोंधाया, अत्यार सुधी में 8,47,000 थी वधु लोगों ना मौत, 4,15,00,000 थी वधु लोगों ए कोरोना ने आपी मात। ब्राजील में कोरोना वायरस ना कुल 2,22,00,000 थी वधु केस, 6,19,000 थी वधु लोगों ना मौत, 2,15,00,000 थी वधु लोगों थाय रिकवर। ब्रिटेन में कोरोना थी हाहाकार, अत्यार सुधी में 1,31,00,000 थी वधु केस नोंधाया, 1,48,000 थी वधु दर्दियों ना कोरोना थी मौत। देश में कुल 1,03,65,000 थी वधु लोग स्वस्थ थया। रशिया में कोरोना वायरस ना कुल 1,05,00,000 थी वधु केस, कोरोनाए 3,00,000 थी वधु लोगों नो भोग लीधो, 94,97,000 थी वधु लोग थया स्वस्थ। फ्रांस में कोरोना ना कुल 1,19,00,000 थी वधु केस, अत्यार सुधी में 1,23,000 थी वधु लोगों जीव गुमाव्यो, 81,00,000 थी वधु लोगों कोरोना सामे जंग जीती। अमेरिका ना कोलोराडो में जंगलों में सड़गीला मकानों बरफ से ढंकाई गया, 2 दिवस अगाउ तेज हवाओं और गर्मी ना कारणे त्यां भयानक आग लागी हती। जंगलों में लागेली आग ना कारणे 600 थी वधु मकानों सड़गीने थया हता राख, परंतु 2 दिवस बाद हवामान बदलाता हिमवर्षा शुरू थई गई और मकानों पर जाम्या बरफना थर। आखो विस्तार बरफ की चादर थी ढंकाई गयो, सड़गेला वाहनों होय के वृक्षों होय तमाम पर बरफ ना थर जामेला जोवा मळ्या, अंदाजे 6 इंच जेटली हिमवर्षा थई। यूरोपना देश रोमानिया में दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण नकारात्मकता ने दूर करवानी परंपरा निभावामां आवी, आ परंपरा निभावा माटे सैकड़ों लोग रींच जेवा पोशाको पहेरेला जोवा मळे छे। केटलाय लोको रींच जेवा पोशाको पहेरी रस्ता पर फरता जोवा मळ्या, ढोलनी धून पर लोको थिरकता पण देखाया। आ लोको केटलाय घरोना चक्कर लगावे छे, तेओनुं मानवुं छे के आम करवाथी घरोनी दुष्टता भागी जाय छे। पहली जान्युआरी ना दिवसे महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, एक ज दिवस में 9,170 केस पॉजिटिव नोंधाया, जयरे मुंबई शहर में ज 6,000 थी वधु केस नोंधाया। मुंबई में अत्यार सुधी में कुल 7,90,000 थी वधारे केस नोंधाई चुक्या छे, जेमां 16,000 थी वधु दर्दीओना मौत थया छे। हाल में मुंबई में कुल 22,000 थी वधु केस पॉजिटिव। केन्द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया देशना तमाम राज्यना आरोग्य मंत्री साथे बैठक करी, कोरोना ना वधता केस अने वैक्सीनेशन ने लई वीडियो कॉन्फरन्स थी बैठक मळी, कोरोना ने रोकवा माटे चर्चाओ कराई। मनसुख मांडवियानी बैठक बाद राज्यना आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेलनुं निवेदन, कह्युं मनसुख मांडविया साथे अनेक मुद्दे चर्चा थई, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सिजन बेडनी व्यवस्था, वेन्टिलेटर ने लईने पण चर्चा विचारणा थई। आरोग्यमंत्री ऋषिकेश पटेलनुं निवेदन, राज्य में दरेक शाळा में जई तरुणों ने रसी अपाशे, तरुणों नुं रसीकरण 7 दिवस में पूर्ण, बाळक ने लक्षण हशे तो स्थळ पर ज टेस्टिंग कराशे। ओमिक्रोन लक्षण अंगे आरोग्य मंत्री नुं निवेदन, मैं ओमिक्रोन ना 4 दर्दियों साथे वात करी, सामान्य ताव अने सामान्य गळा में दुखावो होय छे। अमदावादनी जीएलएस कॉलेज में रेगिंग ने लई धारासभ्य जिग्नेश मेवाणी मैदाने एनएसयूआई नो कार्यकर पोलीस फरियाद करवा गयो, त्यारे फरियाद लेवाने बदले तेना विरुद्ध ज फरियाद नोंधाई होवानो जिग्नेश मेवाणी नो आरोप। राजकोट एम्स ना डायरेक्टरे ओमिक्रोन वेरियंट अंगे चिंता व्यक्त करी, कह्युं के फेब्रुआरी में ओमिक्रोन नो पीक आवशे, सावचेती माटे लोकोए डबल मास्क पहेरवुं पड़शे। तो बीजी तरफ एम्स ना डायरेक्टरे कह्युं के ओमिक्रोन वेरियंट वेक्सिन जेवुं काम करशे, जे दर्दीने ओमिक्रोन थयो हशे ते व्यक्तिना शरीरमां कोरोना सामे एंटीबॉडी बनशे। आजथी सरकारी कचेरीओमां प्रवेश माटे रसीना बंने डोज फरजियात, सचिवालयमां प्रवेश इश्यू करता पहेला बंने रसीना सर्टिफिकेटनी तपास थशे। राज्यमां 8 महानगरमां 7 जान्युआरी सुधी रात्रि कर्फ्यू, 11 થી 5 सुधी यथावत। जाहिर स्थळोए मास्क पहेरवुं तथा सोशियल डिस्टन्सिंग फरजियात करायुं, ज्यारे जाहिरमां थूंकनारा लोकोने दंड फटकारी कड़क कार्यवाही कराशे। बीजी तरफ आरटीओ कचेरीमां वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट चेक कर्या बाद एंट्री।
कोरोना संक्रमण वधता राजकोट जिला में खानगी शाला संचालक मंडल नो निर्णय, स्कूल में भणवा आवता विद्यार्थियों माता पिता रसी बंने डोज फरजियात कर्या। बाळकना माता पिताए बंने डोज नहीं लीधा होय तो बाळकने ऑफलाइन शिक्षण नहीं अपाय, बाळक घरे बेसीने ऑनलाइन अभ्यास करी शकशे। कोरोना वधता केसना पगले अमदावाद पश्चिमनी केटलीक शाळाओए प्राइमरी वर्गो बंद कर्या। उद्गम, सत्व विकास, तुलीप, त्रिपदा सहित स्कूलों एक अठवाडिया सुधी ऑफलाइन वर्गो बंद कर्या। नागरिकों ने मळशे एर इंडियन सेवानो लाभ, सूरत थी अमदावाद, भावनगर, राजकोट सुधीनी सेवा, जे हवे अमरेली सुधीनी हवाई सेवा खुली मुकाय। नवा वर्षना मंगल प्रारंभे सूरतवासियों ने नवी उड्डयन सेवानो लाभ मळशे। अमरेली थी सूरत वच्चे हवाई सेवानो प्रारंभ, वेंचुरा कंपनी अने गुजरात सरकारना सहयोगथी नियमित एर सेवा शुरू कराई। सूरतना जाणीता उद्योगपति सबजी धोळकियाना हस्ते एर सेवानो प्रारंभ, प्रथम दिवसे मुकबधीर 9 बाळकोने हवाई सफर करावाई, एक महीना माटे 1999 रूपया भाड़ू रखायू। अमदावाद में साबरमती नदी पर माणी शकाशे हेलिकॉप्टर जॉय राइड नो आनंद। साबरमती हेलीपेड थी अमदावाद दर्शन माटे सेवा शुरू कराई। मंत्री पुणेश मोदी हस्ते हेलिकॉप्टर जॉय राइड सेवा प्रारंभ करायो। हेलिकॉप्टर इमरजेंसी में एम्ब्युलेंस तरीके पण थई शकशे उपयोग। सीनियर सिटीजन यात्रियों ने यात्राधामों दर्शन माटे पण उपयोग में लेवाशे। जान्युआरी मध्य में ऑनलाइन बुकिंग शक्य बनशे। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन स्कूल बोर्ड द्वारा 7 जानुआरी नवा वर्ष निमित्त 2022-23 नव बजेट रजू थे। नवी सीमांकन मुजब अमदावाद की 103 नवी स्कूलों एएमसी में समावेश। गुजरात फार्मास्यूटिकल काउंसिल संलग्न विविध सेवाओं ने डिजिटल करवा पोर्टल लॉन्च करायू। अगाउ आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत कोरोना काल में प्रायोगिक धोरणे गुजरात फार्मसी काउंसिल द्वारा जॉब पोर्टल कार्यान्वित। आज थी नवा वर्षना पहला दिवसे हरियाणा में नवा प्रतिबंधों, ऑफिसों साथ शॉपिंग मॉल और स्कूलों में जवा माटे बन्ने डोज जरूरी। तमाम जिलाओं में रेन्डम चेकिंग ना निर्देश। गुजरात में ऑफिस और चंडीगढ़ में स्कूलों में प्रवेश पर नियमों लागू। पावागढ़ खाते ऐतिहासिक महत्व धरावती पावागढ़ परिक्रमा गाइडलाइन मुजब शुभारंभ। बागेश्वरी माताजी मंदिर थी संतो महंतो और पदाधिकारी परिक्रमा की शुरूआत करी। पावागढ़ परिक्रमा में गुजरात भरना खूणे खूणे थी माई भक्तों और श्रद्धालुओं जोड़ाया। आ साथ हिंदू धर्म जागरण मंच द्वारा पंचमहाल धर्म जागरण दिवस तरीके जाहिर करी यात्रा महात्म्य वधार्यु। सुरेन्द्रनगर द्रांगध्रा हाईवे पर अफीणना जत्था साथ ट्रक ड्राइवर पकड़ायो। 40 ग्राम अफीण साथ एसओजीए बातमी आधार राजस्थान ट्रक ड्राइवर ने पकड़ो। पुलिस 15 लाख की वधु मुद्दामाल जप्त कर तपास हाथ धरी। अमदावाद सैजपुर गिरिवृंद सोसायटी में असामाजिक तत्वों आतंक, पार्क करेला वाहनों की तोड़फोड़ कराई। नशा की हालत में लाकड़ी और पाइपों साथ वाहनों में तोड़फोड़, 5 से 6 लोग सीसीटीवी में कैद। अमदावाद ईसनपुर खारावला फैक्ट्री पास असामाजिक तत्वों आतंक, पारस पान पार्लर पर तलवारों लई असामाजिक तत्वों होबाड़ो मचाव्यो। पैसा ने लेती देती में थी थी मारामारी, सोशियल मीडिया में वीडियो वायरल। अमदावादना पूर्व विस्तार में लुखाऊ बन्या बेफाम। रामोलना रामराज्य नगर पासे हुमलो करी वाहनों में करी तोड़फोड़। कृष्णनगर नारोल में पण मचाव्यो आतंक। रामोल पोलीसे 2 आरोपियों की धरपकड़ करी अन्य 3 लोगों की शोधखोळ हाथ धरी। महेसाणा में 31 डिसेम्बर की रात्र खेलायो खूनी खेल। एक व्यक्ति पर 6 लोगों द्वारा करवामां आव्यो घातकी हुमलो। इजाग्रस्त व्यक्ति की हालत गंभीर, पोलीसे गुनो नोंधी शुरू करी तपास। वर्षना अंते एसीबी की कार्यवाही। सूरत में 5 वर्ष जूनी अरजी की तपास पूर्ण करी 2 कोंस्टेबल सहित 3 लोगों सामे फरियाद दाखल हती। अमदावाद दरियापुर ने विजया बैंक में चोरी नो बनाव। बैंक ना लॉकर रूम में 9,75,000 की चोरी करी तस्करों फरार थया। दरियापुर पुलिस गुनो नोंधी तपास हाथ धरी। सूरत कोसंबा गांव में एनआरआई की कार में थी चोरी। 11,000 दिरहाम और 25,000 रूपया की चोरी थी। चोरी की समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थी। पुलिस तपास शुरू करी। जामनगर में प्रेमी युगले झेरी दवा पी कर आपघात प्रयास। युवती सारवार दरमियान मौत। युवक सारवार हेठ हॉस्पिटल में दाखल। युवक और युवती पितराई भाई बहन होवा लग्न था अशक्य। अमदावाद में बगुतरा रोड पर जूडो की टीम अकस्मात। आरोग्य मंत्री और शिक्षण मंत्री इजाग्रस्त विद्यार्थियों खबर अंतर पूछा। अकस्मात में कुल 5 विद्यार्थियों मौत, जयरे हजू 8 विद्यार्थियों सारवार हेठ। साणंदनी केनाल में अजाण्य व्यक्ति की लाश मिली आई। सोयला गाम नजीक केनाल में लाश मिलता पुलिस तपास हाथ धरी। अमदावाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर 8-23 जानुआरी थी योजाशे फ्लावर शो। मुलाकातियों ने सवेरे 9 थी रात 8 वगे सुधी प्रवेश अपाशे। कोविड गाइडलाइन मुजब एक समय 400 लोगों ने मळशे एंट्री। 8 जानुआरी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हस्ते खुल्लो मुकाशे फ्लावर शो। फ्लावर शो में एंट्री माटे रिवरफ्रंट पार्क की वेबसाइट पर बुक कर सकाशे टिकट। अमदावाद में फ्लावर शो माटे टिकट ना दर नक्की कराया। 12 वर्ष थी नाना 65 वर्ष थी मोटा लोगों माटे 30 रूपया टिकट,
तेर थी 65 वर्षना लोको माटे सोमथी शुक्र सुधी 50 रुपया, शनि रवि माटे बाळको, सीनियर सिटीजन माटे 50 रुपया। तेर थी 65 वर्षना लोको माटे शनि रवि 100 रुपया, तमाम ने टिकट ऑनलाइन लेवानी रहेशे, काउंटर टिकट नहीं मळे, टिकट में लखायेला समय मुजब प्रवेश अपाशे। दर कलाके 400 लोगों ने प्रवेश अपाशे। 8 जानुआरी थी 15 दिवस सुधी फ्लावर शो नु आयोजन, सवारे 9 थी रात्रि 8 वाग्या सुधी शो योजाशे। तो समाचार सुपरफास्ट में अत्यारे बस आटलू ज, वधु समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।